मिट्टी और भाई होना स्टार्ट हो गया है। कोई बात नहीं, अपन अंदर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन सेफ है। आ जाओ सो ये सारी चीजें ले। और एक भाई क्या है, चीजें कोई अच्छी। ओए 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 ओ भाई सब अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर। ओके ओ नाइस भाई, दिस इज लुकिंग सो गुड गाइस। ओ भाई सब गाइस, हम लोग को यूरेनियम मिल चुका है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं प्लेनेट क्राफ्टर। सो गाइस, आज के एपिसोड में हम लोग ये गेम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हम लोग हमारी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम काफी हद तक का सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ न्यूक्लियर रिएक्टर। और आज के एपिसोड में हम लोग एक और चीज करने वाले हैं। आज हम लोग जाने वाले हैं यूरेनियम केव्स ढूंढने के लिए, जहाँ से हम लोग यूरेनियम ले पाएंगे। ये भी ठीक है। So, ये अभी हमारा प्राइमरी टास्क रहेगा। उसके अलावा भी काफी ज्यादा चीजें हम लोग इसमें एडवांस लेवल के करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फटाफट से चलते हैं अंदर, ऑक्सीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे यहाँ पे एक स्टोरेज भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास काफी ज्यादा चीजें हो चुकी है। सो गाइज, मैं अभी एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें अरेंज करता हूँ और उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। ओके सो उसके लिए गाइज मुझे एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे राइट साइड पे थोड़े से मुझे बनाने पड़ेंगे कंपार्टमेंट, जिससे मैं काफी ज्यादा स्टोरेज बॉक्सेस वहां पे मैं अरेंज कर पाऊँ। तो उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, एक कंपार्टमेंट पिक करते हैं और वो लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, और उसके बाद मैं ये कंपार्टमेंट अभी लगाने वाला हूँ यहाँ पे। ओके दिस इज लुकिंग गुड। सो फटाफट से अभी मैं चलता हूँ ऊपर, और ऊपर जाने के पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा। रुको थोड़े बहुत ना, यहाँ से मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है, 3 स्टोरेज के लिए मैं यहाँ पे आयरन ले लेता हूँ। और मुझे अभी जाना पड़ेगा इधर, बट यार एक मीटर को रुको, इसका ना हमें पहले जुगाड़ करना पड़ेगा, इसको पहले साइड में लगाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये सारी चीजें इधर रख देता हूँ, उसके बाद ये सारी चीजें मैं यहाँ से लेके ट्रांसफर कर देता हूँ इधर, और उसके बाद मैं ये कर पाऊंगा अभी डिकंस्ट्रक्ट। गुड, आ जाओ गाइस। सो यहाँ पे अभी सबसे पहले मुझे एक लॉकर लगाना है, मैं लगाने वाला हूँ लॉकर कुछ इस तरीके से। ओके उसके बाद दूसरा लॉकर आ जाएगा यहाँ पे ही, जस्ट उसके बाजू में, ठीक है, क्योंकि भाई कम जगह में ना ज्यादा स्टोरेज हमें करना है। सो कुछ इस तरीके से हम लोग कर पाएंगे, आई थिंक ये बेटर चॉइस है। ओके ठीक है, आई थिंक दिस शुड बी गुड, है ना। आ जाओ, और मिट्टी और भाई होना स्टार्ट हो गया है, तो कोई बात नहीं, अपन अंदर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन सेफ है। आ जाओ सो ये सारी चीजें ले। और एक भाई ये क्या है, ओ भाई ये क्या है, रुको 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 भाई, मिट्टी और यहाँ पे हुआ है। ओ भाई साहब ये क्या है भाई, यार बेस ना टूट जाए, एक चीजें कोई अच्छी। ओए 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 ओ भाई सब अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, मर जाएंगे, मर जाएंगे भाई, मिट्टी और खत्म होने दो भाई। ये देख रहे हो गाइस ये क्या हुआ भाई, एक मिनट मैं अभी अंदर कैसे जाऊंगा। ओके भाई फाइनली यहाँ से गायब हो गया, चलो कोई बात नहीं यार, ये काफी वियर्ड चीज हो गई थी। सो अभी हम लोग अंदर चलते हैं, और यहाँ पे मैं सबसे पहले लगाऊंगा ये इरिडियम। और भाई रुको रुको रुको, पहले खाना खाना पड़ेगा, खाना नीचे लेने जाना पड़ेगा। सो भाई सबसे पहले मुझे ये खाना दे दो, बिन्स ठीक है, और ये भी खाना दे दो, आ जाओ। ओके सो गाइस, अभी मैं ये सारी की सारी चीजें अरेंज करता हूँ और उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैंने हर एक चीज अच्छे से मैनेज कर दी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने इरिडियम रखा है और उसके रॉड रखे, यहाँ पे यूरेनियम रखा है और उसके रॉड आएंगे, उसके बाद हमें जो एक्स्ट्रा चीजें, ये ओस्मियम मिला है, सल्फर मिला है, और एक्स्ट्रा जो भी चीज मिल रही है यूनिक चीजें, वो हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, सो यहाँ पे सारे एल्यूमिनियम है, और यहाँ पे भी एल्यूमिनियम और हमारे सुपर एलॉय है। सो हमने कुछ इस तरीके से मैनेज किया हुआ है, उसके बाद ये भी हम लोग रीअरेंज कर देंगे, बट अभी के लिए मैं फिलहाल कुछ इस तरीके से अभी चीजें कर रहा हूँ। सो अभी गाइस सबसे पहले मुझे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना है, तो उसके लिए देख लेते हैं क्या क्या चीजें चाहिए। यूरेनियम रॉड चाहिए, ठीक है, 2 पानी की बॉटल चाहिए। ओके और भाई पानी की बॉटल के लिए ना हमें
भाई एक मिनट, पानी की बोतल के लिए भी हमारे पास, अच्छा ओके 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 ओके, रुको रुको, एटमोस्फेरिक वाटर कलेक्टर खुल चुका है, तो क्यों ना मैं सबसे पहले ये बना दूं जो वाटर कलेक्ट करने का काम करेगा। सो एल्यूमिनियम चाहिए, सुपर एलॉय, कोबाल्ट, ठीक है, सो वी हैव एवरीथिंग, और हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं वाटर कलेक्टर। तो वाटर कलेक्टर, एक मिनट, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे लगा दे क्या, एक मिनट, क्योंकि ये क्या है, सिलिकॉन, चलो ठीक है, और एक मिनट मिनट आसपास और भी कोई चीज तो गिरी होनी चाहिए, एक मिनट ऊपर चलते हैं। ओके, सो ऊपर क्या क्या चीजें पड़ी, आयरन, टाइटेनियम, आयरन, चलो ठीक है गाइस, आ जाओ, और यहाँ साइड में भी आयरन पड़ा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग वो बाद में ले लेंगे। सो अभी मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले वाटर कलेक्टर, तो वाटर कलेक्टर ना ये फ्रंट में लगाने का मैं सोच रहा हूँ, आई थिंक यस यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके, वाटर कलेक्टर लग चुका है, उसी के साथ साथ भाई साहब हमारी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, तो उसके लिए रुको थोड़े से ना, मैं आइस लेके आता हूँ और उसके बाद वाटर बॉटल बनाता हूँ, सो दैट हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर बन पाए। सो 2-3, ठीक है, आई थिंक अभी इतने ज्यादा आइस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही आ जाएगी उसके बाद तो हमारा ये वाटर कलेक्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। आ जाओ गाइस, चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या चीजें चाहिए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए। तो मुझे सबसे पहले एक वाटर बॉटल बनाना है, रुको, सो मैं 2 वाटर बॉटल बना लेता हूँ, क्योंकि एक मेरे पास रहनी चाहिए, उसके बाद 3 सुपर एलॉय चाहिए। ओके, सो ये 3 सुपर एलॉय हमारे पास है, और एक यूरेनियम रॉड चाहिए, तो उसके लिए 9 यूरेनियम चाहिए रहेंगे, तो भाई सारे के सारे ले लो, एक ट्रांसफर कर दो, मतलब 9 हमारे पास आ चुके हैं। ओके, और यहाँ से हम लोग एक यूरेनियम रॉड भी बना लेते हैं। गुड गाइस, आ जाओ अभी चलते हैं बाहर, और यहाँ पे हम लोग बना के आते हैं हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, यहाँ पे लगा देते हैं, आ जाओ। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी भाई हमारे पास आ चुकी है, और एक मिनट रुको, इसमें क्या चीज, जैसे इसमें कुछ नहीं है ना, रुको, तो इसको ना मैं कर देता हूँ डिस्ट्रॉय, ताकि एक आयरन मिल जाएगा फ्री में। गुड गाइस, अभी देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का स्टेटस क्या है। सो हमारे पास 79 किलोवाट अभी भी इलेक्ट्रिसिटी एडिशनल है। गुड, ओके ओके भाई साहब, ये काफी इजी हो गया यार, ये ना पानी बनाता रहेगा और हमें फ्री में पानी मिलता जाएगा। सो आ जाओ फटाफट से ना, ये सारी की सारी चीजें, एक्स्ट्रा चीजें मैं रखा हूं अंदर। सो अभी हमें नेक्स्ट चीज क्या बनानी है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे हमें बनाना है एक बायोडोम, जिसके लिए हमें 3 सुपर एलॉय चाहिए। ओ भाई साहब यार, सुपर एलॉय काफी इंपॉर्टेंट चीज है यार, एक है, 2 बनाने हैं, तो एक मिनट, 2 बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो थोड़ा सा देख के आते हैं। सो 2 बनाने के लिए हमें चाहिए एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, और मैं बनाता हूं 3 सुपर एलॉय। सो टोटल हमारे पास 3 सुपर एलॉय हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि इसके अलावा जो चीजें हैं, मतलब एक एल्यूमिनियम, 2 कोबाल्ट, ठीक है, 2 कोबाल्ट ले लेते हैं, एक एल्यूमिनियम यहां से ले लेते हैं। ओके, उसके बाद क्या चीज चाहिए, टाइटेनियम 2, और ये लिर्मा सीड, तो लिर्मा सीड 1 ले लेते हैं, और लास्ट वाली चीज क्या चाहिए हमें, 2 टाइटेनियम। सो ये रहे 2 टाइटेनियम। गुड गाइस, सो अभी हमारे पास हर एक चीज है, तो इसका मतलब ये है कि अभी हम लोग बना पाएंगे हमारा बायोडोम। सो ये बेसिकली करेगा क्या, परफेक्ट प्लेस टू ग्रो प्लांट्स एंड जनरेट O2। ओके गुड, ओके, सो मैंने कुछ इस तरीके से लगा दिया है, अभी लेट्स सी ये प्रॉपरली यहाँ पे लगा है कि नहीं। सो बॉय साहब मिट्योर हो रहे, ओ नाइस, वाओ भाई, दिस इज लुकिंग सो गुड गाइस, है ना, आ जाओ। सो यहाँ पे से ये हमने पूरा लैब लगा दिया है, और एक मिनट, इसमें अभी होगा क्या, यहाँ पे से देखते हैं कि ये वर्क किस तरीके से करेगा। तो बायोमास 1.36 केजी, अच्छा उसमें भी ब्लूप्रिंट्स वगैरह है, ओके, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, भाई हम लोग के पास एनिमल आने वाले, दिस इज गुड गाइस। बायोमास हमें बढ़ाना है, तो ये सारी चीजें ओपन होगी, प्लांट्स बढ़ाएंगे तो ये सारी चीजें अनलॉक होगी, इंसेक्ट्स और एनिमल्स, ठीक है अभी वो जीरो है, और ये क्या है, टेरा फॉर्मेशन। ओके, सो ये हमारी जनरल वाली ब्लूप्रिंट्स है, और ये बायोमास ब्लूप्रिंट्स है।
सो हमें एक लगानी है बायो लैब। सो बायो लैब लगाने के पहले ना हमें एक काम करना पड़ेगा, पहले लगाना पड़ेगा हीटर। सो हमारा लेवल 3 हीटर, यार एक काम करेंगे लेवल 3 हीटर यहाँ पे ही लगा दे तो है ना, ये भी तो एक जगह ही है कि जहाँ पे हम लोग चीजें लगा पाएंगे है ना। सो एक काम करते गाइस, एक यहाँ पे लगाता हूँ ओके, उसके बाद एक हीटर मैं लगाता हूँ यहाँ पे ओके, दिस इज लुकिंग गुड। आ जाओ गाइस, बढ़िया। सो कुछ इस तरीके से अपनी पूरी लैब लग रही है, जो कि मुझे तो भाई काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। सो अभी हमें नेक्स्ट बनाना है बायो लैब, जिसके लिए 3 सुपर एलॉय चाहिए फिर से। सो 3 सुपर एलॉय हम लोग बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, आई एम नॉट श्योर। रुको, ये ना थोड़ा सा रुक के बनाते हैं गाइस। इसके अलावा और कोई चीज यार, ये और एक्सट्रैक्टर भी हमें कहीं पे तो लगाना पड़ेगा, बट ये लगाएंगे किधर मुझे अभी तक पता नहीं चला है। सो वो भी थोड़ा सा देखते हैं, ये फूड ग्रोअर बायोमास। आई थिंक गाइस अभी अभी के लिए ना हर एक चीज ठीक से काम कर रही है। अभी हमें काम करना पड़ेगा भाई, बाहर जाके ना थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा यूरेनियम। और ये क्या है, अच्छा कोबाल्टी है ओके, आ जाओ। सो यहाँ पे कितना पानी, ओ भाई साहब पानी तो काफी जल्दी इकट्ठा हो रहा है इधर। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। हमने यहाँ पे से एक पानी पी लिया है, उसके बाद ये क्या रेडी हो गया है, यस। सो एक काम करते हैं, इसको भी खा लेते हैं और निकलते हैं भाई हम लोग नई लोकेशन देखने के लिए, जहाँ पे से हमें मिल पाए यूरेनियम। आ जाओ ओके। सो गाइज यहाँ पे मैं एक जगह पे आ चुका हूँ और ये थोड़ी सी जगह वियर्ड लग रही है। एक मिनट, यहाँ पे आई थिंक कुछ ना कुछ चीज़ें तो हमें फॉर श्योर मिलनी चाहिए। आ जाओ, सो फटाफट से चलते हैं अंदर। और एक मिनट रुको, इसको पहले डीकंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि अंदर जाने के लिए हमारे पास रास्ता हो। ओके, वी आर गुड। और यहाँ पे भाई डिस्ट्रक्ट नहीं करना। ओके भाई, यूरेनियम मिल चुका है हमें, नाइस। और निर्मा सीड, चलो निर्मा सीट लेते हैं। ये 300% का ऑक्सीजन, अरे ये सब चीज़ें तो हमारे पास है अभी फिलहाल, हमें वो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आ जाओ। और भाई साहब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे, और भाई ले लो सारी चीज़ें जितनी भी मिल रही है। बट एक मिनट भाई, ब्लूप्रिंट वगैरह भी मिल रही है, इसका मतलब यह है हमें यहाँ पे फिर से आना पड़ेगा पूरा चेक करने के लिए। ये दोबारा दूसरी एक चीप मिली है। सो भाई एक काम करते हैं, ये सारी चीज़ें पहले मैं रख के आता हूँ हमारे बेस पे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर से आते हैं ओके। सो अभी हम लोग यहाँ पे फिर से ऊपर आ चुके हैं। सो यहाँ से चलते हैं अंदर, और जो भी सारी चीज़ें छूट गई थी वो फटाफट से लेते हैं। यहाँ पे तो सारी चीज़ें चलो ले ली थी हमने, यहाँ पे से क्लॉथ, यार ये सब चीज़ें ना मुझे नहीं चाहिए अभी। रुको, ये चीप ले लेते हैं, उसके बाद एल्यूमिनियम फॉर श्योर। और यहाँ पे यस एक चीप और मिल गई है हमें, इसके अलावा तो यहाँ पे आई डोंट थिंक कोई चीज़ बाकी रह रही है। पानी, चलो कोई बात नहीं, पानी हमारे पास एक्स्ट्रा लेके आए हैं तो जब ज़रूरत पड़ेगी ले लेंगे। और अच्छा, ये T2 लेवल का हमें चीप चाहिए रहेगा, कोई बात नहीं बाद में आ जाएंगे, ठीक है ओके। और यहाँ पे देख लेते हैं, यस ये चाहिए, और तो कोई चीज़ आई डोंट थिंक यहाँ पे बाकी। अरे भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ये ये रहा, आई थिंक वी शुड बी गुड है ना। आई थिंक यहाँ पे इतनी ही चीज़ें थी, इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कोई भी चीज़ें है। सो एक काम करते हैं, पहला एक पानी पी लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं और क्या क्या चीज़। ओ भाई सुपर एलॉय, भाई सुपर एलॉय यहाँ पे नीचे गिरे हुए मिल रहे हैं कि यहाँ पे, एक मिनट सुपर एलॉय वहाँ पे भी पड़ा हुआ है। आ जाओ रुको, यहाँ से चलते हैं और यहाँ से जंप करते हैं, नाइस। एक और सुपर एलॉय, एक मिनट ये यहाँ पे है। भाई सुपर एलॉय काफी ज्यादा मिल रहे हैं यहाँ पे, रुको यहाँ पे से ना थोड़ा सा मैं घूमता हूँ और सुपर एलॉय जितने भी मिल रहे हैं ना वो सारे के सारे भाई यहाँ से मैं ले लेता हूँ। काफी ज्यादा सुपर एलॉय मैं लेके आ चुका हूँ, उसके साथ साथ ना मुझे यहाँ पे दो चीप मिली है तो उसको डिकोड करके देखते हैं। T3 एजिलिटी बूट्स, नाइस। सो एक हमें
लेवल 3 का एजिलिटी बूट मिल चुका है, और उसके बाद मैप इंफॉर्मेशन रॉकेट। ओके, ये पता नहीं ये क्या है, तो मुझे सबसे पहले एजिलिटी बूट बनाना है। तो एजिलिटी बूट बनाने के लिए मुझे 2 सुपर एलॉय चाहिए और एक्सप्लोजिव पाउडर। भाई ये क्या है, एक्सप्लोजिव पाउडर क्या है ये? ऐसा तो अभी कोई चीज हमें मिली नहीं है, आई थिंक वो बहुत ही जल्द हमें मिल जाएगी। तो अभी गाइस कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ जाओ हम लोग यहाँ से सारी चीजें ले लिए। एक मिनट रुको रुको रुको, पहले ना मैं एक खाना ले लेता हूँ, उसके बाद एक पानी भी पी लेता हूँ यहाँ से। और अभी यार रात हो चुकी है, तो दिन में गाइस चलेंगे वहां पे एक्सप्लोर करने के लिए। बट तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कितने सुपर एलॉयज वगैरह मैंने फार्म कर दिए हैं। तो मेरे पास गाइस कुछ इतने ज्यादा सुपर एलॉयज आ चुके हैं। और एल्यूमिनियम की बात करो तो एल्यूमिनियम हमारे पास इतने हैं, और उसके बाद भाई ये भी पूरा बढ़ चुका है। इतने हमारे पास इरिडियम है, और यूरेनियम की मैं बात करूं तो थोड़े बहुत हमारे पास सूरियनम भी आ चुके हैं। अभी अगर हमें आगे ये बायो लैब बनानी है तो उसके लिए 3 सुपर एलॉय चाहिए, ओस्मिसियम चाहिए, ठीक है। तो 2 ओस्मिसियम हमारे पास है, ठीक है, बाद 3 सुपर एलॉय चाहिए, तो कोई बात नहीं 3 सुपर एलॉय भी यहां से ले लेते हैं। उसके बाद क्या चीज चाहिए यहाँ पे, एक एल्यूमिनियम, आ जाओ। तो यहां से नीचे चलते हैं, और अरे भाई एल्यूमिनियम तो ऊपर ही था, एक मीटर को रुको रुको, ये रहा एल्यूमिनियम। चलो गाइस वी आर गुड, सो हमारे पास सारी चीजें अभी है। तो अभी हम लोग बना पाएंगे बायो लैब। सो बायो लैब कहाँ बनानी चाहिए वो थोड़ा सा देख लेते हैं। एक बार मैं यहाँ पे लगा के देखना चाहता हूं कि बायो लैब अभी लगेगी कैसी। रुको, ठीक है, ये बायो लैब अभी कुछ इस तरीके से लग रही है। काम करते गाइस, ऊपर चल के देखते हैं कि ये एग्जैक्टली लगी किस तरीके से है। सो यहां से हम लोग आ पाएंगे बायो लैब में, आई थिंक ये सही है गाइस, है ना। ओके, सो इसमें बेसिकली मुझे करना क्या है बायो लैब में, सो जैसे ही एंटर होते हैं हमारे पास कंप्यूटर है क्राफ्ट। ओके ओके गाइस, एक्सप्लोसिव पाउडर यहां से बनेगा, तो हमें चाहिए 2 सल्फर। ओके, 2 सल्फर और इरिडियम। अरे भाई इतना तो मेरे पास पड़ा हुआ है, तो 2 सल्फर और इरिडियम। सो ये रहा इरिडियम, आ जाओ गाइस। सो यहां से फटाफट से मैं बनाता हूं एक्सप्लोसिव पाउडर। ओके, जो कि हमारा क्राफ्ट हो चुका है। अभी हम लोग चलेंगे यहां से नीचे की ओर, और यहां से हम लोग क्राफ्ट करेंगे T3 के हमारे एजिलिटी बूट्स, जिससे हमारी मूवमेंट स्पीड 45% से बढ़ जाएगी। और 2 सुपर एलॉय चाहिए, कोई बात नहीं, सुपर एलॉय भी हमारे पास अभी तो काफी ज्यादा पड़े हैं। सो यहां से ले लिए 2 सुपर एलॉयस, और अभी गाइस क्राफ्ट करते हैं एजिलिटी बूट्स लेवल 3। ओके गाइस, अभी हमारा लेवल 3 का बूट्स खुल चुके हैं, और अभी मैं एक मिनट बाहर जाके आपको दिखाता हूं। और एक मिनट, क्या इससे कोई फर्क पड़ा है कि नहीं, एक मिनट रुको। हाँ यस यस, आई थिंक फर्क तो पड़ा है गाइस, फर्क तो पड़ा है फॉर श्योर। ओके, सो अभी हमारा क्या क्या चीजें बाकी है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सो ये कहाँ पे लगाना है ना वो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। ये वाले लैब पे एक बार चेक करते हैं कि अभी हम लोग नेक्स्ट क्या चीज कर पाएंगे। तो हमने बायो लैब तो ओपन कर दिया, और बायोमास 1.75 हो चुका है। सो एक मिनट, बायोमास का ना कहीं पे तो प्रोग्रेस स्क्रीन होना चाहिए। सो एक मिनट, ये ओके गाइस, सो लिक्विड वाटर का अभी नेक्स्ट स्टेज है लेक्स। सो मतलब भाई यहाँ पे क्या लेक्स बनने वाले हैं, नाइस। और एक मिनट, यहाँ पे बायोमास, ओके ओके ओके, बायोमास 1.75 kg। सो बायोमास कैसे बढ़ेगा, रुको रुको एक बार चेक करते हैं बायोमास। ओके, सो ग्रास स्प्रेडर हमें लगाने पड़ेंगे। सो एक हमने स्प्रेडर यहाँ पे लगाया हुआ है, दूसरा स्प्रेडर एक काम करते हैं ये साइड पे लगा लेते हैं। सो यहाँ पे भी थोड़ा सा ना ग्रीनरी आ जाएगा। ओके, और एक मिनट, ये पावर लो भाई, एक काम करते हैं, रुको रुको रुको, मैं ना ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या सीन है, 263 का प्रोडक्शन है और 274 का ना, रुको रुको एक काम करते हैं, मैं एक और न्यूक्लियर रिएक्टर लगा ही देता हूँ। सो 2 पानी की बोतल हमारे पास पड़ी है, 3 सुपर एलॉय और 1 यूरेनियम रॉड। ओके गाइस, अभी कुछ इस तरीके से लग रहा है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो अभी हमारे पास इनफ इलेक्ट्रिसिटी हो जानी चाहिए। सो यहां से भी बायोमास का स्टार्ट हो गया है O2 बनाना। ओके, और एक बायोमास हमें और लगाना है, जो कि मैं लगा दूंगा यहां पे कहीं पे,
सो दैट यहाँ पे भी ग्रीनरी स्टार्ट हो जाए। ओके गाइस, सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने लगाया है 3 बायोमास, जिससे हमारा जो ऑक्सीजन बायोमास है वो जल्द से जल्द होना स्टार्ट हो जाएगा 0.57। और गाइस हम लोग यहाँ पे एक और बायोमास लगाने जा रहे हैं, क्योंकि बायोमास का प्रोडक्शन हमें काफी जल्दी करना है। सो यहाँ पे एक और लगा दिया, और उसके बाद हम लोग जैसे ही पानी इकट्ठा होगा और भी हम लोग बायोमास लगा देंगे। और भाई कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है हमारा अभी ये बेस, और भाई प्लेनेट भी काफी हमने टेराफॉर्मेशन उसका कर दिया है। गाइस अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, और ये वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग गेम प्लेज में लेके आया करता हूँ। सो गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ ये वाले जो हमारे स्टोरेज बॉक्स है, क्यों ना मैं यहाँ से लाइन से लगा दूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें ये स्पेस की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं एक काम करता हूँ, रुको, पहले मैं यहाँ पे एक और स्टोरेज लगाता हूँ एक्स्ट्रा, और भाई ये सारा का सारा सामान मैं शिफ्ट करूंगा अभी वहां पे। तो एक बार मैं सामान गाइस शिफ्ट करता हूँ और उसके बाद आपको मिलता हूँ। ओके गाइस, सो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे सारा का सारा सामान सेट कर दिया है। तो ये है इरिडियम, ये है यूरेनियम, ये एल्यूमिनियम के 2 मैंने स्टोरेज रखे हुए, और सुपर एलॉय के भी 2 मैंने स्टोरेज यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे वो सारी चीजें जो अभी तक हमें पता नहीं है कि इसका यूज क्या आने वाला है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे रखी हुई है। ये फूड वाला भी हम लोग बहुत ही जल्दी इसका अरेंजमेंट कहीं पे कर देंगे। ओ बॉय सॉप गाइस, हम लोग को यूरेनियम मिल चुका है। ओ नाइस, सो गाइस ये है केव यूरेनियम की। तो भाई रुको, ये लाइट ऑन करता हूँ। भाई ये सारे के सारे यूरेनियम हम लोग यहाँ से लेने वाले हैं। तो फाइनली हमें केव मिल चुकी है यूरेनियम की, और एक मिनट, यूरेनियम की केव मिल चुकी है तो हम लोग क्या और एक्सट्रैक्टर यहाँ पे लगा सकते हैं क्या? रुको, पहले एक काम करते हैं गाइस, ये सारे के सारे यूरेनियम मैं पहले यहां से ले लेता हूं, और उसके बाद भाई मैं घर जाके ना और एक्सट्रैक्टर लेके आऊंगा, और यूरेनियम की केव में और एक्सट्रैक्टर में लगा दूंगा, ताकि हमें काफी ज्यादा यूरेनियम मिलता रहे। भाई काफी ज्यादा घूमने के बाद हमें ये यूरेनियम की केव मिली है, जो कि काफी बढ़िया बात है। नाइस गाइस, आ जाओ। सो फटाफट से ना ये सारे यूरेनियम मैं ले लेता हूँ, और मेरे पास जगह है, चलो कोई बात नहीं भाई, जितने भी यूरेनियम है ना मैं सारे के सारे यूरेनियम ले लेने वाला हूँ। चलते हैं फिर से हमारे बेस पे, और फटाफट से और एक्सट्रैक्टर के लिए जो भी चीज चाहिए वो सारी की सारी चीजें लेके मैं आता हूँ यहाँ पे वापस। ओके गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे घर पे, और यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें करते हैं ट्रांसफर। रुको, ये इरिडियम एक यहाँ पे रखना है, ठीक है, और ये फर्टिलाइजर हम लोग अभी फिलहाल यहाँ पे रख देंगे। सो अभी सारी की सारी चीजें हमने रख दी है, और खाना पीना लेना है, और एक मिनट और क्या चीजें लेनी थी, ऑस्मेशियम चाहिए हमें, ऑस्मेशियम, एक मिनट ऑस्मेशियम की तो हमें एक केव मिली थी ना, यहाँ पे एक केव है, आ जाओ गाइस। सो वो फटाफट केव में चल के आते हैं, और अगर वहां की बर्फ अगर पिघल गई होगी तो हम लोग ऑस्मेशियम वहां से ले पाएंगे। तो आ जाओ गाइस, फटाफट से चलते हैं वो केव पे। ओके गाइस, सो अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और ऑस्मेशियम, अरे भाई साहब 2 ऑस्मेशियम तो बाहर ही मुझे मिल गए, ये अभी भी पिघलना बाकी है, ठीक है इसको पिघलने देते हैं। और यार ये ऑस्मेशियम हमें बहुत कम मिलता है ना, तो एक मिनट, क्या मुझे यहाँ पे, एक मिनट, सल्फर, आ जाओ भाई, सल्फर भी मिल चुका है। तो मुझे गाइस ऐसा लग रहा है ना, ये ऑस्मेशियम के लिए हमें यहाँ पे एक और एक्सट्रैक्टर बनाना चाहिए। तो रुको, घर पे चलता हूँ, और उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी की सारी लेके आता हूँ, और वहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं सबसे पहला हमारा और एक्सट्रैक्टर। ओके गाइस, तो अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक इरिडियम रॉड, एल्यूमिनियम और सुपर एलॉय, ठीक है। सो ये रहा एल्यूमिनियम, यहाँ से ले लेते हैं एक सुपर एलॉय, ठीक है गाइस, आ जाओ। सो हमारे पास अभी सारी की सारी चीजें आ चुकी है, सो यहाँ से चलते हैं और हम लोग एक और एक्सट्रैक्टर बना के वापस आते हैं। सो और एक्सट्रैक्टर हम लोग बनाते हैं गेव में, जहाँ पे ऑस्मेशियम मिलता है, क्योंकि गाइस ऑस्मेशियम मिलेगा तभी हम लोग और एक्सट्रैक्टर्स बना पाएंगे, राइट।
सो और एक्सट्रैक्टर बनाने के लिए उसमें शिम का होना बहुत ज़रूरी है। और ये क्या है? अरे ये तो कोबाल्ट है। आ जाओ गाइस, चलते हैं ऊपर की ओर। ओके सो आ चुके हैं उसमें शिम वाली केव में। यहाँ पे लगाते हैं हमारा सबसे पहला और एक्सट्रैक्टर, यहाँ पे लगा देते हैं और लेट्स सी किस तरीके से वर्क करेगा। ये आयरन निकल रहा है भाई, ये ओस्मेशियम का केव है। एक मीटर को ओर्स फ्रॉम द ग्राउंड डिपेंडिंग ऑन वेयर इट्स प्लेस्ड। हाँ तो ये मैंने सही जगह पे तो लगाई है, ये क्या दिक्कत है? रुको थोड़ी देर गाइस, आई थिंक ये थोड़ा ना कलेक्ट होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं। ओके सो गाइस, यहाँ पे ये टाइटेनियम कोबाल्ट आयरन पता नहीं क्या क्या चीजें निकाल रहा है, बट जो चीज निकालनी चाहिए वो अभी एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही, तो चलो कोई बात नहीं। सो अभी हम लोग चलते हैं हमारे बेस पे वापस, क्योंकि हमारी लेवल 5 की हमारी बैकपैक हो चुकी है अनलॉक, तो फटाफट से वो बनाते हैं हमारे बेस पे पहुंचने के बाद। और यहाँ पे बॉयज, वहाँ पे एक मिनट रुको 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 गाइस, यहाँ पे पूरा लेक बनना स्टार्ट हो गया है। वाओ सो भाई यहाँ पे क्या पूरा पानी भरने वाला है कि क्या होने वाला है? हम नहीं जानते गाइस, हम नहीं जानते यहाँ पे क्या होगा। तो रुको, आए हैं तो ये चीजें लेके चलते हैं, क्योंकि वाई नॉट। एक मीटर को रुको, यहाँ पे एक और चेस्ट है वो भी देख लेते हैं। ओके चलो, इसमें कुछ भी नहीं था तो ठीक है गाइस, चलो वी आर गुड, चलते हैं वापस हमारे बेस पे। आ जाओ गाइस। ओके एक और स्लॉट यहाँ पे हमारा बढ़ चुका है, तो इसका मतलब ये है हम लोग और भी काफी ज्यादा चीजें कैरी कर पाएंगे। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आज के वीडियो में आपको मजा आया होगा। मजा आया है तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।